हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विंटर के लिए स्पेशल टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरा साल भर पूरी एनर्जी के साथ रेगुलरली पढ़ाई करना होता है। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो हमारी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी और एनर्जी दोनों ही कम होने लगता है। इसके मेजर दो रीजन है, एक तो है हेल्थ इश्यूज। देखो विंटर में क्या है भाई, हम नॉर्मल फीवर या कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिसके कारण हमारी पढ़ाई कम हो पाती है। और दूसरा मेजर रीजन है लेजीनेस। आप सुबह लेट उठना स्टार्ट कर देते हैं या ज़्यादा सोना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन आज की वीडियो में जो टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसको फॉलो करने के बाद ना कि ओनली आपकी पढ़ाई करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बल्कि आप पहले से और ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, जिनको फॉलो करते हुए आप विंटर में भी सुबह जल्दी उठ पाएंगे और लंबे समय तक चेयर और टेबल पे स्टडी कर पाएंगे, और इसके साथ साथ विंटर में आपको हेल्थ इश्यूज को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग बैच से, यानी जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में स्कूल में जाते हैं, या यूं कहें जिनका कोचिंग क्लासेस का टाइम मॉर्निंग का होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइम सुबह आपकी क्लास का लिखा 7 AM to 1 PM, यानी 6 आवर्स की आपकी क्लासेज होंगी। हो सकता है आपका टाइम टेबल कुछ अलग हो, लेकिन अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी कोचिंग क्लासेज का स्कूल का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 6 आवर्स ही होता है। तो जैसे ही 1 PM पे आपकी क्लास और होगी, तो घर आते ही सबसे पहला काम आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम है आपका लंच करना। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्या करेंगे भाई, आते ही सो जाएंगे या दोस्तों के साथ गप्पे मारना स्टार्ट कर देंगे, या सबसे बुरी आदत, लंच करने से पहले मोबाइल पे गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। अगर ऐसी आपकी आदत है तो इसको आज से ही छोड़ दें, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको एक खास बात और बता रहा हूँ, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरी एक बात याद रखना भाई, 3 टाइम है, 3 टाइम अपने आप पे कंट्रोल कर लो, आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी फेल नहीं कर सकता। कौन से 3 टाइम? सबसे पहला मॉर्निंग में सुबह उठते ही भाई, मॉर्निंग में उठते ही जो आपके फर्स्ट 60 मिनट होते हैं, इनमें से जितना मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं उतना ज्यादा दें। फिर इसके बाद सेकंड है लंच, और थर्ड है डिनर का टाइम। लंच और डिनर के टाइम पे, लंच या डिनर करने से पहले या करने के बाद कभी भी मोबाइल फोन यूज ना करें, दोस्तों के साथ गप्पे ना मारें, और किसी भी फालतू की एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने इन 3 टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो लाइफ में किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी कभी भी फेल नहीं कर पाएगा। तो ठीक है भाई, आते ही क्या करेंगे, सबसे पहले लंच करेंगे। लंच करने के बाद आप यहाँ पे 10 to 15 मिनट का नैप लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, आते ही सो जाएंगे और फिर सीधा 5 बजे उठते हैं, फिर सारी रात पढ़ाई करते हैं। तो ये देखो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, इससे आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान रखना है भाई, लगातार लॉन्ग टाइम तक नहीं सोना, क्या करेंगे, नैप लेना 10 to 15 मिनट का। और एक बात और ध्यान रखना, 30 मिनट भी नहीं सोना है, क्योंकि जैसे ही आप 30 मिनट के लिए सोएंगे, फिर सीधा आप 3 घंटे के बाद उठेंगे। तो ध्यान रखना है ओनली 10 to 15 मिनट। फिर इसके बाद देखो, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट होगी 2 बजे से, 2 से 4 बजे तक सबसे पहले आप नोट्स रीडिंग करेंगे। आप अपने सभी सब्जेक्ट का नोट्स रीडिंग कर लें, एक सबसे पहला काम होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आते ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रॉन्ग मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नोट क्लास में आज आपको पढ़ाया गया है सबसे पहले वो पढ़ो। फिर इसके बाद 4 to 5 PM ये आपका एंटरटेनमेंट का टाइम रहेगा, खेलना है, कूदना है, गाना सीखना है, गाना है, बजाना है, जो भी आपको करना है। फिर इसके बाद 5 to 7:30 क्या करेंगे, यहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है भाई। 2.5 घंटे में आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 7:30 to 8:30 तक आपका टाइम रहेगा फैमिली का प्लस डिनर का। इस टाइम पे आप अपने मम्मी पापा से बातें कर सकते हैं, आप डिनर करेंगे, जो भी आपको करना, अपने भाई बहन के साथ मस्ती करो, लेकिन 1 घंटा ये डिनर का प्लस फैमिली टाइम रहेगा। फिर इसके बाद 8:30 से 10:30 बजे तक रात में आप क्या करेंगे भाई, लगातार 2 आवर्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक। फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 10:30 से 11 बजे तक, 10:30 से 11 मान लो या 11:30 मान लो, अगर आपको थोड़ा कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो
इस टाइम पे आप रिवीजन करेंगे। वैसे रिवीजन अगर आप डेली करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 10 to 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट इज मोर देन एनफ। फिर भी हमने 30 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम रख लिया, जो आपके लिए काफी रहेगा। तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक। और अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे है ना, आप अपना जो रिवीजन का टाइम है वो मैक्सिमम 15-20 मिनट रखें। फिर इसके अलावा यहाँ से कोशिश करें 1 घंटा रात में और 1 घंटा सुबह जल्दी उठ करके, जैसा बैकलॉग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मॉर्निंग बैच स्टूडेंट का टाइम टेबल। और यहाँ पे एक ध्यान रखना है भाई, कम से कम आपको 6 आवर्स की स्लीप रखनी है। कैसे भाई, 11:30 बजे सोएंगे तो 5:30-6 बजे तक उठ जाएंगे। कोशिश करें 6 बजे तक उठ जाएं भाई, आपको सनराइज से पहले उठना ही उठना है। और अगर आपने सनराइज से पहले उठना स्टार्ट कर लिया ना, तो ये मान लो जिंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हो चाहे, वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे। बस एक ही काम करो, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो इवनिंग बैच। इवनिंग बैच नॉर्मली अगर बात करें, 6 आवर्स की क्लास होती है 2 से 8 बजे तक। अब इसमें देखो क्या करना है, आते ही पहले तो 8 to 9 PM क्या करेंगे भाई, अपना लंच कर लेंगे, ठीक। डिनर कर लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले डिनर और फैमिली टाइम रहेगा। फिर उसके बाद 9 to 11:30 क्या करेंगे, यहां पे आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। और नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ एक काम और करेंगे, जो आपके बायो के क्वेश्चंस है ना, वो इसी टाइम सॉल्व कर दें, ठीक। बायो के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको 30-40 मिनट लगेंगी, तो इसी टाइम पे सॉल्व करके सो जाएं। ध्यान रहे इस टाइम पे फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना करें, उससे क्या होगा, उससे आपको लेजीनेस आएगी और आपको बोरिंग फील हो सकता है, इसलिए बायो के क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका 11:30 से 6 बजे तक सुबह सोने का टाइम रहेगा, स्लीप का टाइम रहेगा। फिर सुबह आप उठेंगे 6 से 7, जो भी मॉर्निंग की एक्टिविटी आपको करनी है, आप 5 AM क्लब को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, सुबह उठने की जो भी आपकी एक्टिविटी होगी इनको फॉलो करेंगे। और अगर आप बुक रीड नहीं करते हैं 5 AM क्लब फॉलो करते हुए, तो इस टाइम पे आप अपनी मिस्टेक्स वाली कॉपी रिवाइज कर सकते हैं, अपने NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रिवाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद यहां पे ध्यान देना भाई, 7 to 9 AM भाई आप है ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7 to 9 AM में सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई। क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इसके बाद 9 से 10 के बीच में, 9 to 10 AM ये आपका मस्ती का टाइम रहेगा, आपको खेलना है या और भी जो भी आपका एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट जो करते हैं, गाना बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी आप काम करते हैं। फिर और साथ में इस टाइम में आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 to 12 PM, कौन सा टाइम रहेगा, NCERT रीडिंग का टाइम रहेगा। फिर NCERT रीडिंग के बाद नेक्स्ट आपका आएगा 12 to 12:30 PM, ये आपका रिवीजन का टाइम होगा। अब देखो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है 2 बजे, अभी भी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो उस 1.5 घंटे में से 1 घंटा और कहीं भी एडजस्ट करके 1 घंटा और आप बैकलॉग को भी दे सकते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए मॉर्निंग और इवनिंग बैच के अकॉर्डिंग। अगर इस टाइम टेबल को आप सही से फॉलो करते हो, ध्यान दो मैंने है ना कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि आप कंटिन्यूअसली 2 घंटे से ज्यादा पढ़ो, यहां पे मैंने लिखा है 2.5 घंटे कहीं पे लिखा है, ठीक। 2.5 घंटे का मतलब ये है कि आप 1 घंटा पढ़े उसमें 2-3-4 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़े उसमें 2-3-4 मिनट का ब्रेक लिया, या ऐसे कर लो 1.25 घंटा पढ़े और 1.25 घंटा पढ़े बीच में 3-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, ऐसे फॉलो करना। कभी भी आपको कंटिन्यूअसली 1 आवर से ज्यादा लगातार पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, इससे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, आपको थकान फील नहीं होगी। तो इसको सही से फॉलो करो और अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हुए, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हुए इस बार अच्छी रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में जाओ। अब हम बात करेंगे उन टिप्स की जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, सारी टिप्स आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, जिसमें फर्स्ट टिप में लिखा है कि कम से कम आपको 6 घंटे सोना है और सुबह सनराइज से पहले उठ जाना है। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं और ओनली 4 या 5 आवर्स में अपनी स्लीप कंप्लीट कर लेते हैं और दिन में 0.5 घंटा या 1 घंटा सो जाएंगे। देखो अगर आपकी ये वाली आदत नहीं है तो आप ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा, जिससे आपका और नुकसान होगा। आपको कम से कम 6 घंटे लगातार सोना है, इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, आप दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, क्लास में आपकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे
और पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा और इसके साथ साथ लंबे समय तक आप चेयर और टेबल पे स्टडी भी कर पाएंगे। और इसमें एक पॉइंट और ये ऐड कर रहा हूं कि आपको है ना सनराइज से पहले उठ जाना है। देखो भाई, जो लोग सुबह सनराइज से पहले उठ जाते हैं वो अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। देखो, अगर आप आज से ही सनराइज से पहले उठना स्टार्ट कर दें, कुछ दिन के बाद ही आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे होगा। ये खुद आप ट्राई करेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, खुद प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 टू 15 मिनट नैप। डेली आप 10 टू 15 मिनट का नैप लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा टाइम इंक्रीज ना करें। मॉर्निंग वाले बैच स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं, इवनिंग वाले कब करेंगे भाई? इवनिंग वाले जब क्लास से पहले जाए, क्लास जाने से पहले 1:30 बजे सो जाए और 10 मिनट या 15 मिनट सोने के बाद फिर सीधा क्लास चले जाए, इससे आपकी क्लास में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है, सर्दियों में हम पानी नहीं पीते। पानी क्यों नहीं पीते? एक तो ठंडा लगता है और एक है ना लेजीनेस के कारण। उठ के ना वहां पे मटका रखा है, मटके तक जाने का मन नहीं करता, नल तक जाने का मन नहीं करता। ऐसा आपको नहीं करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और ध्यान रहे, कोशिश करें गर्म पानी पिए। इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, गर्म पानी अगर आप पीते हैं जो आपके हेल्थ इश्यूज है, कॉमन कोल्ड या नॉर्मल फीवर की प्रॉब्लम, तो वैसे ही आपकी दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है ईट ड्राई फ्रूट्स ड्यूरिंग स्टडी। देखो, आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी चेयर टेबल से स्टार्ट होती है और जाई में सोने तक खत्म होती है। भाई जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ी देर में ठंड लगती है, जैसे ही ठंड लगती है चेयर टेबल से आप रजाई में जाते हैं, रजाई जैसी गर्म होती है सो जाते हैं, और सोने के बाद ये नहीं पता कितनी देर के बाद उठते हैं। देखो, इसका मेन रीजन क्या है, आपको ठंड लगी इसलिए आप रजाई तक गए। ठीक, तो रजाई तक अपने को नहीं जाना है, अपने आप को ना चेयर टेबल पे ही रोकना है। इसका मेथड क्या है, एक तो गर्म कपड़े पहन के रखें कंप्लीट, अपने जूते वगैरह, टोपा वगैरह, स्वेटर वगैरह या सोल वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली गर्म कपड़े पहन के रहें। दूसरा, अब जब भी पढ़ाई करेंगे भाई, आपको ना भूख लगती है क्योंकि आपकी एनर्जी यूज हो रही ना। एक तो आप पढ़ने में भाई आप ब्रेन फोकस कर रहे हैं, इसमें एनर्जी जा रही है। दूसरा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है आपके रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी की हीट है वो कहाँ जा रही है, एनवायरमेंट में जा रही है, थर्मो में पढ़ते हैं ना, जिसके कारण क्या हो रहा है आपकी एनर्जी कम होती है और एनर्जी कम होने के कारण आपको ठंड लगने लगती है। तो इसलिए अपने आपको भूखा नहीं रखना है, तो इस टाइम पे आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, जैसे बादाम है, काजू है या खजूर वगैरह है, तो वो साथ के साथ खाते रहें। और ध्यान रहे बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि गर्म जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। कम खाना है धीरे धीरे, भाई एक दो बीच में खा लिया, चलो फिक्स कर लिया कि पहले मैं 40 questions कर लूं, फिर उसके बाद मुझे 2 बादाम खाने हैं, पहले मैं ये पूरा NCERT के 3 पेज पढ़ लूं, उसके बाद मेरे को 2 खजूर खाने हैं, तो ऐसे फिक्स रखो, उसमें टारगेट भी रखो अपने, ठीक है ना। तो ऐसे फॉलो करेंगे तो ना तो आपको भूख लगेगी और ना ही सर्दी लगेगी और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है यूज टेबल चेयर विच आर नॉट कंफर्टेबल। देखो भाई, अगर आप कंफर्टेबल चेयर यूज करेंगे तो सर्दियों का टाइम है तो आप चेयर पे ही सो जाएंगे। तो ध्यान रहे ऐसी चेयर यूज करें जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि हमें आराम नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। तो देखो भाई, ये थी आपकी सारी टिप्स। अगर इन टिप्स को और टाइम टेबल को आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आप अपने आप को पहले से ज्यादा खुश पाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं, वो ये है कि सर हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। देखो भाई, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है सुबह है ना 8 बजे उठेंगे या 9 बजे उठेंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो 10-11 बजे तक भी उठते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहले आपको रात में जल्दी सोना होगा। अगर कोई स्टूडेंट सुबह 6:30 बजे उठना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 11:30 से 12 बजे के बीच में रात में अपने बेड पे चले जाना चाहिए। तो रात में अगर आप 12 बजे से पहले सोने की कोशिश करेंगे तो आराम से सुबह उठ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप बेड पे भी चले जाते हैं, नींद नहीं आती। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, एक 3-मिनट रूल है जिसकी वीडियो मैंने बीवाइज द 5 AM क्लब यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। जो 5 AM क्लब को फॉलो करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हुए सुबह जल्दी उठ रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इस वीडियो को देखें और आप भी सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। क्योंकि मैं इस वीडियो में 3rd time बोल रहा हूं, अगर आपने सुबह जल्दी उठना सीख लिया तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं।
तो सुबह जल्दी उठने के लिए 3 मिनट रूल को फॉलो करें, और ध्यान रहे कभी ऐसी कोशिश ना करें कि सुबह सीधा 9 बजे से 6 बजे उठने की कोशिश करें। 9 से पहले 3-4 दिन 8:30 पे आएंगे, 8:30 से 3-4 दिन 8 पे आएंगे, फिर नेक्स्ट वीक में 7 पे आएंगे, फिर 7 से 6:30 पे आएंगे। तो ऐसे है ना, आपको 15-20 दिन में आना धीरे धीरे। एक दिन में कोशिश करोगे तो फिर नेक्स्ट डे ना 9 की बजाय 11:30 बजे उठोगे। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को अच्छे से फॉलो करो, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स।